53 साल की उम्र में आज भी अभिनेता अक्षय कुमार बहुत ज्यादा हैंडसम और फिट नजर आते हैं, जिनसे देश विदेश के मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड शादी करने के लिए एक्साइटेड है। इतना कि वो दशकों से इनका मैरिज प्रपोजल पाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं बॉलीवुड की गिनी चुनी कुछ अभिनेत्रियों को तो इनका मैरिज प्रपोजल बिना मांगे मिला था, पर उन सभी ने तो अक्षय कुमार का मैरिज ऑफर रिजेक्ट किया है, जिसका उन अभिनेत्रियों को जरा सा भी पछतावा नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्यों और किस लिए उन अभिनेत्रियों ने ऐसा किया। नंबर 6, रेखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उम्र में 13 साल बड़ी रेखा का दिल अक्षय कुमार पर आ गया था। खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी के दौरान जहां पर अक्षय ने इन्हें शादी का ऑफर दिया था, पर समाज का डर रेखा को ले डूबा और उन्होंने अपने सारे रिश्ते अक्षय से खत्म कर लिए, और आज भी रेखा को इस बात का पछतावा नहीं है। नंबर 5, पूजा बत्रा। बॉलीवुड जगत की खूबसूरत अभिनेत्री पूजा बत्रा अक्षय कुमार का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करके आज बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि खिलाड़ी कुमार हमेशा ही वाद विवाद में फंसे रहते हैं, जिसके चलते ट्विंकल खन्ना काफी ज्यादा परेशान होती रहती हैं, और इसलिए पूजा बत्रा को पछतावा नहीं है अक्षय कुमार के वेडिंग प्रपोजल को रिजेक्ट करने का। नंबर 4, आयशा जुल्का। खिलाड़ी फिल्म में हमें आयशा जुल्का और अक्षय कुमार की लव केमिस्ट्री देखने को मिली थी, और इसी लव केमिस्ट्री को अक्षय रियल में भी मानने लगे थे, जहां पर अक्षय ने आयशा को शादी का ऑफर दिया था, पर आयशा ने मना कर दिया क्योंकि अक्षय का फ्रैंक नेचर इन्हें पसंद नहीं था, न ही अक्षय कभी किया हुआ वादा कोई निभाते थे। इसीलिए अक्षय जैसा अच्छा खासा पैसा कमाने वाले इंसान को छोड़कर दूसरे अभिनेताओं के साथ ये टाइम पास करने लगी, और इस बात का इन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है। नंबर 3, रवीना टंडन। आज रवीना टंडन अपने पति देव अनिल थदानी के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक समय पर अक्षय से इन्होंने चुपचाप मंदिर में सगाई की थी और शादी भी करने वाली थी, पर अक्षय ने जब इन्हें धोखा दिया तब रवीना को रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ कि इन्होंने अक्षय से शादी नहीं की, नहीं तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और इसलिए रवीना को अक्षय से शादी ना करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। नंबर 2, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर भी वो अभिनेत्री हैं जो अक्षय की शादी का ऑफर ठुकराकर बिल्कुल भी पछता नहीं रही हैं। जी हाँ, करिश्मा ने अक्षय के साथ जानवर एक रिश्ता जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं, जिसके बाद अक्षय को करिश्मा का बिहेवियर बहुत पसंद आया था, जिसके चलते खिलाड़ी कुमार ने इन्हें मैरिज प्रपोजल इनडायरेक्टली भिजवाया था। लेकिन करिश्मा कपूर को अक्षय पसंद नहीं थे, क्योंकि अक्षय कोई स्टार किड नहीं थे, इसलिए करिश्मा ने अक्षय से शादी नहीं की। नंबर 1, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी एक समय पर अक्षय के प्यार में दीवानी थी, जब ये मैं खिलाड़ी तू नाड़ी फिल्म के दौरान अक्षय के करीब आ गई थी, लेकिन इन्हें अक्षय ने धोखा दे दिया। खबरों के मुताबिक ये शादी करना चाहती थी, पर अक्षय के हद से ज्यादा अफेयर्स और धोखा देने की हरकत से इन्होंने अक्षय के वेडिंग प्रपोजल को हमेशा रिजेक्ट किया, और आज इन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है अक्षय की बीवी ना होने का। तो दोस्तों, क्या आप ट्विंकल खन्ना की जगह इनमें से किसी अभिनेत्री को अक्षय की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर सकते थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।